नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फरीदाबाद में आज जननायक जनता पार्टी की ओर से किया जाने वाला जन समस्याओं को लेकर के प्रदर्शन बारिश की भेंट चढ़ गया। जननायक जनता पार्टी के लोग बारिश के चलते गाड़ियों में सवार होकर लघु सचिवालय पहुंचे और हरियाणा सरकार के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। जननायक जनता पार्टी की ओर से आज प्रदेश के जिला स्तर पर जन समस्याओं को लेकर के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। फरीदाबाद में प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह ने की। निशान सिंह द्वारा हरियाणा सरकार के नाम पर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। मीडिया से बातचीत करते हुए जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह ने बताया कि आज सरकार के हर वर्ग त्रस्त है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ रही है, महिलाओं के विरुद्ध रोज निरंतर नए नए अपराध हो रहे हैं। निशान सिंह ने कहा कि सभी मुद्दों को लेकर के आज जेजेपी द्वारा हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए निशान सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन आज भी मौजूद है, हमने अपनी तरफ से बात बरकरार रखी हुई है और वहीं हम अपनी ओर से हमने आम आदमी की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं तोड़ा है। पिछले पौने पांच वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का राज किया है और भारतीय जनता पार्टी की वजह से कानून व्यवस्था लचर हुई है, हमारी बहन बेटियां जिनके साथ अपराध बढ़े हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, उनका मर्डर करना, इस तरीके की घिनौनी घटनाएं हुई हैं, बेरोजगार बच्चों की संख्या बढ़ी है। ये सरकारी आंकड़े भी बताते हैं कि बेरोजगार बच्चों ने जब भी सरकार ने टेस्ट लिया, हर टेस्ट इनका लीक हुआ है और जब टेस्ट लीक होता है तो उसमें मान के चले कि पैसा इन्वॉल्व होता है। सरकार दावा करती है कि बिना पैसे के हम नौकरियां देते हैं, हम ये दावा करते हैं कि बिना पैसे के सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी की नौकरी लगी है, अगर लगी है तो। और वहां भी ऐसा काम हुआ कि अधिकारी बीए पास है सिंपली, और उसके सामने जो सेवादार है, जो वाटर कैरियर का काम करता है, जो पीएन का काम करता है, वो एमफिल है, पीएचडी है, एमटेक है, इंजीनियर है, इस तरीके का एक हीन भावना उन बच्चों के अंदर आई है, इनफिरिटी कम्प्लेक्स आया है, बच्चों ने नौकरियां छोड़ी हैं। तो मैं कहूंगा महंगाई बढ़ी है इस सरकार के दौरान, तेल की कीमतें बढ़ी हैं पूरी तरह से, उस महंगाई से लोग प्रभावित हैं। चुनाव के दौरान सीमेंट का बैग 60 से 70 रुपए प्रति बैग बढ़ा है, दालें 20 से 30 रुपए किलो के हिसाब से बढ़ी हैं। और ये मान के चले जिस तरीके से कानून व्यवस्था लचर हुई है, आज व्यापारी सरकारों से सिर्फ सुरक्षा मांगता है, व्यापारी नौकरी नहीं मांगता और कुछ नहीं मांगता, व्यापारी चाहता है कि मैं आराम से अमन चैन से अपना व्यापार कर सकूं। उस व्यापारी को थ्रेटनिंग मिलती है, किडनैपिंग होती है, गोलियां मारी जाती है। और दोस्तों ये सरकार हमारे आड़ती को कहती है कि ये दलाल है, इसको खत्म करेंगे दलाली को। मैं कहता हूं सबसे बड़ा दलाल आज सरकार के वजीर हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए में नोट छापने का काम किया है। इसलिए जननायक जनता पार्टी इन सभी समस्याओं को लेकर के आज पूरे प्रदेश के अंदर जिला हेडक्वार्टरों पे डिप्टी कमिश्नर महोदय को एक मांग पत्र, एक ज्ञापन, एक मेमोरेंडम दे करके लोगों की पीड़ा जो है उनके सामने रख रही है, कोई सरकार को भेजें। चुनाव सिर पर है, सरकार किसी गलत फहमी में ना रहे, क्योंकि जनता जब उठती है तो यू टर्न बहुत जल्दी लेती है। मैं हम इस बात के पक्ष में नहीं हैं कि किसी महिला के बारे में कुछ बोला जाए, उनकी भावना ये थी कि अगर हम लोगों को, हमारे कल्चर को बिगाड़ करके क्या परोस रहे हैं, किस तरीके से हमारे बच्चों और बच्चियों पे असर पड़ता है इन बातों का। सभ्यत भाषा होनी चाहिए, सभ्यत हमारा प्रदर्शन होना चाहिए। मैं उस बात को भी याद दिलाऊंगा भारतीय जनता पार्टी को, अश्विनी चोपड़ा करनाल के सांसद जब ये कहते थे कि ठुमके लगाने वाली कांग्रेस में जा रही है, और बुराई से हमारा जो यूपी प्रदेश है वहां से सुरेंद्र चौधरी जो इनके विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते थे कि सोनिया भी नचनिया थी और अब इसको भी लेकर के राहुल से शादी कर दे, पूरा जो है ना डांसर का परिवार हो जाएगा। ऐसी बेहुदी बातें ये लोग करते थे, वो अपनी बात को याद करें। हम इस पक्ष में नहीं है कि मातृशक्ति के खिलाफ कोई बात कही जाए, इस पक्ष में है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो इस तरीके का प्रदर्शन हो, फूहड़ ना हो, हमारी आने वाली जो पीढ़ी, हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन पे बुरा असर ना पड़े। आम आदमी पार्टी ने गठबंधन के रास्ते अकेले लड़ने की बात कही है। हमारी तरफ से आम आदमी पार्टी से जो गठबंधन था वो बरकरार है,
उनकी इच्छा है वो हमारे साथ चलें या ना चलें उन पे छोड़ा हुआ है। हमने अपनी तरफ से गठबंधन नहीं तोड़ा, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज सिकंदर बनी हुई है। और सबको पता है कि सिकंदर रास्ते से वापस आ गया, दुनिया नहीं जीत पाया था। जिस तरीके से आज भेड़ बकरियों की तरह दूसरी पार्टियों के लोगों को लेकर के बाड़े में इकट्ठा किया जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं मेरे पास छलनी है, उस छलनी से सभी को छान करके निकाल दूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि समान विचारधारा की पार्टियां इकट्ठी हों और ये जाति हरियाणा की जनता से जो होती है इसको रोका जा सके। चुनाव में परिवर्तन की पुरजोर हम उम्मीद करते हैं और मान के चलते हैं कि जननायक जनता पार्टी 90 की 90 सीटों पर लड़ करके सरकार परफॉर्म करे। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बंद करो, बंद करो, बंद करो। सारी सत्ताओं की आज के दिन जो भी हालात हैं उन सबको इसमें आपके मामले हमारी भावनाओं को आपको ले लो भी आपको लेना है थोड़ा साइड ले लो, बिल्कुल खुल जाओ ना, थोड़ा खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ, प्रधान जी साइड खुल जाओ, थोड़ा